हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज इंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, आज हम बात करेंगे आलोक के ऊपर। और कई लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं टेलीग्राम पे, और साथ ही कई लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि सर, आलोक में होगा क्या? क्या ये वापस 3 रुपये पे जाएगा, या हमारा जो भी निवेश है वो पूरा डूब जाएगा? क्या कंपनी फ्रॉड है? क्या हम इसमें फंस गए हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन गाइज मुझे सुनने को मिले हैं। और साथ ही मैं बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 59 के आसपास अपनी बाइंग लेवल बनाई है, और जैसे ही उन्होंने बाइंग लेवल बनाई, उसके बाद आलोक जो है वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारते हुए जा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है लोग, बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें फंसा चुके हैं, और कई टेंशन है गाइज। अगर आप भी हैं आलोक में होल्डिंग बना के, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने पूरी डिटेल से आलोक के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आलोक में हो क्या रहा है, और आलोक के नए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो आज ही रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जून 2020 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से क्या है आलोक का आगे का फ्यूचर। गाइज, यहाँ पे एक बात आ रही है, मैंने कई वीडियो में देखा है कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 0% हो गई है, तो आलोक बर्बाद हो गया। गाइज, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि YouTube पे हर वेराइटीज़ के क्रिएटर हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग सोच है। यहाँ पे मेरी भी एक सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद है मेरी इस सोच के साथ और मेरे इस विचारों के साथ आप अपना समर्थन देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या गलत। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, आज का ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको समझते हैं पहले। और ये NSE की वेबसाइट पर मैं डेटा देख रहा हूँ अभी, और फिर मैं आपको BSE पे जाके डिटेल में इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, में एक बेसिक सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर कंपेयर करें हम 31 मार्च 2020 के डेटा को 30 जून 2020 के डेटा से, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप था वो 6.15% के आसपास हमें दिख रहा था। वही अगर बात करें यहाँ पे 30 जून को, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब नियरली 0% प्रमोटर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, और पब्लिक होल्डिंग यानी कि कम्प्लीटली 100% पब्लिक, ये कंपनी जो है वो कम्प्लीटली 100% पब्लिक हैंड में दिख रही है अभी हमें। तो ये डरने वाली कोई बात नहीं है गाइज, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा आगे, और उसके बाद आप श्योर हो जाएंगे कि आप जो है वो एक सेफ कंपनी में हैं अभी, ना कि एक डूबने वाली कंपनी। ठीक है, बहुत ही जेन्यून फैक्ट्स हैं इस कंपनी के, और बहुत ही अच्छी बातें हैं जिनको देख के हम इसमें निवेश बनाने का सोच सकते हैं, और एग्जिट लेने का नहीं सोचना है। ये भी आपको समझ में आएगा अगर वीडियो आप पूरी देख लेंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि सर, लॉस तो लॉस, हम निकल जाएंगे, बस एग्जिट ले लेना। भाई भैया, पहली बात तो ये कि तुम एग्जिट ले भी नहीं पाओगे अगर चाहोगे तो भी, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एग्जिट ना ले पाओ। अपने स्टॉक्स जो हैं वो AMO में मत रखो, एक दिन एक झटके से निकल जाएंगे, और अपर सर्किट पे अपर सर्किट जाएगा ना स्टॉक, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो मेरी ये बात ध्यान रखिए। गाइस, वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी आलोक की A to Z इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी, और इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप YouTube पे कोई भी वीडियो आलोक के ऊपर नहीं देखोगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हम BSE की वेबसाइट पे, और BSE पे हमने आलोक इंडस्ट्री के जो आज का रिलीज हुआ है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, उस पे हम आ गए हैं, और चर्चा करेंगे इस पैटर्न पे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो गाइज, यहाँ पे सभी डिटेल क्वांटिटी में है, और आप देख सकते हो क्वांटिटी की बात करें तो 10,827 क्वांटिटी के स्टॉक जो है वो प्रमोटर होल्डिंग के हाथ में है, यानी कि 4 प्रमोटर हमें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, और प्रमोटर की डिटेल्स भी हम देखेंगे। गाइज, अगर पब्लिक की हम बात करें तो आप देख सकते हैं नियरली 2,21,06,40,401 क्वांटिटी के स्टॉक जो है वो पब्लिक के हाथ में है। ठीक है, यानी कि प्रमोटर को छोड़ के जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो पूरा पब्लिक के हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी गई है। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रमोटर की, जो कि है 4 प्रमोटर हमें बताए जा रहे हैं, जिसमें आप पहला नाम देख सकते हो दिलीप बी जीवराज का, और साथ में यहाँ पे 4 नाम और हैं। ये पूरे एक फैमिली है जो कि आलोक में एज अ प्रमोटर अभी हमें दिख रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 0% दिख रही है, क्योंकि अगर कंपेयर करें हम प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग को एक साथ, तो पब्लिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेशो हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए पब्लिक होल्डिंग जो है वो 100% हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। अब मैं आपको बताऊँगा आगे कि रिलायंस और JM फाइनेंस ने कंपनी के शेयर को एक्वायर किया, कंपनी की होल्डिंग को एक्वायर किया, और उसके बाद भी ये एज अ प्रमोटर काउंट क्यों नहीं हुए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और समझेंगे। और यही सबसे बड़ा डर है लोगों के मन में अभी, आज इस शेयर होल्डिंग के रिलीज होने के बाद। YouTube पे हजारों वीडियो अपलोड हो गई हैं,
गाइज मैं इंतज़ार कर रहा था किसी एक अच्छे फैक्ट का, उसके बाद वीडियो अपलोड करूँ। कई दिनों से वीडियो अपलोड करने का सोचा भी था, लोग बहुत प्रेशर भी कर रहे थे ग्रुप में कि सर एक वीडियो डाल दो आलोक पे, लेकिन कुछ होना तो चाहिए आलोक का बताने के लिए। ऐसे मोमेंट पे मैं ऐसी डायरेक्ट वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। चलिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, और इस पॉइंट पे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे टेलीग्राम में भी, तो मैंने भेजा भी था। ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे लिखा गया है डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एक्टिंग एज पर्सन इन कंसर्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि एक्टिंग एज पर्सन इन कंसर्ट ऑफ पब्लिक। गाइज यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि पर्सन इन कंसर्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, पर्सन इन कंसर्ट ऑफ पब्लिक का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें हमें दो कंपनी दिख रही हैं, एक है जेएम फाइनेंस, ठीक है, और दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, उनकी क्वांटिटी ऑफ होल्डिंग्स भी हमें यहाँ पे दिखाई गई है। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आज एक मैसेज किया था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और इसको आप पढ़िएगा जरूर वीडियो को पोस्ट करके। मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करें हम ये सेबी की गाइडलाइन से जो कि मैंने शेयर की थी, ठीक है, कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मीन्स क्या होता है, आप देख लीजिए। पर्सन हु वाइल हैविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पज टू एक्विजिशन शेयर और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ओवर द कंपनी, यानी कि ऐसा कंपनी या ऐसा कोई पर्सन जो किसी कंपनी में अपनी राइट्स चाहता हो या फिर कंपनी को एक्वायर करने के पर्पस से अपनी होल्डिंग बढ़ाता हो, उसको काउंट किया जाता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है, दो, एक तो है अपनी जेएम फाइनेंस और दूसरी है रिलायंस। तो ये दोनों जो है वो एज अ प्रोमोटर ही कहे जाएंगे, लेकिन उनको अभी फिलहाल कहा जाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। ठीक है, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये अभी जो है इन्होंने एनसीएलटी के थ्रू इसको लिया है और ये सेबी का रूल्स है। गाइज ये कोई शेयर नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, कोई भी नहीं बता रहा है आपको ये यूट्यूब पे। शायद कई लोग जो हैं वो आंख बंद करके वीडियो बनाते हैं, दे डोंट इवन नो द सेबी गाइडलाइंस एंड ऑल, एंड डायरेक्टली वो छाप देते हैं आपके सामने वीडियो और आप भी मज़े से देख लेते हो उसको। चलिए कोई बात नहीं, देख ली तो देख ली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो देखना छोड़ दो। इट्स अप टू यू टू वॉच वीडियोज एंड डेफिनेटली यू शुड वॉच मोर वीडियोज द स्टॉक वेयर एवर यू आर इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट, है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहाँ पे पैसा लगाया है उनके बारे में रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये फालतू आदमी है, इसको बंद करो। ठीक है, तो गाइज देख लीजिए यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने रख दी है, और यहाँ पे आप चौथी लाइन देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोऑपरेट फॉर द एक्वायरिंग ऑफ वोटिंग राइट्स और शेयर्स इन एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, यानी कि जो पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट्स होते हैं उनको पूरी पूरी राइट्स होती है कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी को जो है उनके द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है और उनको पूरी पूरी राइट्स होती हैं कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेने के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी था कि दिस इज द रीजन रिलायंस एंड जेएम फाइनेंस नॉट अंडर प्रमोटर टैब। गाइज मैं आपको बता दूं कि जुलाई मंथ में ये पूरा गेम हुआ है, तो आपको जो है आपको नेक्स्ट क्वार्टर का जो पैटर्न है उसमें देखने को मिलेगा कि कितने ऑपरेटर जो है अपनी स्टेक बढ़ा चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल रखी है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। गाइज यहाँ पे देख लीजिए म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 200 हमें दिख रही है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल होल्डिंग है जो पहले से चलती आ रही है, कोई ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे FPI की, तो आप देख सकते हैं 5 FPIs हमें देखने को मिल रहे हैं, क्वांटिटी आप देख लीजिए। साथ ही अगर बात करें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स की, तो यहाँ पे 8 दिख रहे हैं हमें जिन्होंने इसमें निवेश किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की अगर देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने क्वांटिटी के स्टॉक जो है वो लिए गए हैं। और अगर बात करें हम इंश्योरेंस कंपनी जो कि है LIC को छोड़ के, बाकी कंपनी वहाँ पे 2 हमें देखने को मिल रही है। टोटल आप देख सकते हैं 16 यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, क्वांटिटी आप देख लीजिए गाइस। और अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का भी क्वांटिटी और होल्डिंग जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है। गाइस इतनी ट्रस्टेड कंपनी है और चाहिए क्या यार, शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो देखो एक बार, समझ में आएगा एक ही बार देखते ही कि भाई कंपनी में कुछ चल रहा है तभी इतनी होल्डिंग बन रही है, लोगों ने इतना पैसा लगाया इस कंपनी में। ठीक है, तो बिंदास रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, अपनी होल्डिंग जो है उसको बना के रखिए। गाइस पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आलोक में ही पेशेंस रखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में हैं और वो डाउनफॉल हो रहा है और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें उसमें से एग्जिट नहीं ले लेना है जब तक ये, मेरा एक डायलॉग है जो मेरे मेंबर्स जो है वो हमेशा बोलते हैं कि सर आप एक बात बोलते हो बहुत सही लगती है कि हमेशा एग्जिट लेनी है तो डिजिट्स जो है वो ग्रीन होने चाहिए, रेड नहीं। अगर रेड में है तो हमें रुकना ही है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की और आप रेडी हैं नुकसान में निकलने के लिए तभी निकलना है। ज़्यादातर रेड डिजिट्स में हमें एग्जिट नहीं लेनी होती है। गाइस स्टॉक मार्केट है 2 दिन में पलड़ा पलट जाता है। ठीक है,
तो उसके हिसाब से रहिएगा। बस इसमें एग्जिट मत लीजिएगा, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। मुझे पता है वीडियो आप पूरी नहीं देखोगे क्योंकि बोर होगे, तो हो सकता है वीडियो की एंड तक आप ना जा पाओ। तो पहले ही बोल देता हूँ कि एग्जिट जो है वो आलोक से नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। बस एक बार एक जिद ले लो कि आलोक से हमें निकलना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, बस ठीक है। ये पकड़ के चलो, 6 मंथ होल्डिंग करो गाइस, 6 मंथ के लिए होल्ड करो बस इस स्टॉक को। सिर्फ 6 महीने रुक जाओ अभी, 6 महीने में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 6 महीने के आप देखो आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में ही रिकवर होने लगेगा स्टॉक। अभी चार्ट पे भी जाएंगे हम लास्ट में और समझेंगे थोड़ा वहाँ पे भी गाइस। साथ ही आप यहाँ पे कंपनी का रिमार्क जो है वो पढ़ सकते हो कि कंपनी ने क्या रिमार्क्स दिया है आज के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। रिमार्क्स में कुछ ज़्यादा है नहीं शेयर करने का, ये सभी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी। जिसकी हम बात करते हैं OCPS, जो कि ऑप्शनेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स, जो कि है रिलायंस के हाथ में, वो भी अगर डायलॉट हो जाते हैं तो कंपनी को एक फायदा ही है और साथ ही शेयर होल्डर्स को भी फायदा है। कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है शेयर होल्डर्स को, तो बिंदास रहिए गाइस। तो चलिए गाइस अब देखते हैं, यहाँ पे एक बात आई थी कि SBI बैंक जो है उसने आलोक को NOC दिया। एक कॉमन सी न्यूज हमने मार्केट में सुनी थी कि SBI जो है, SBI बैंक, उसने आलोक को दिया है NOC, और ऐसे बहुत न्यूज़ आपने देखे होंगे और साथ ही सुने भी होंगे और कई यूट्यूब वीडियोस में भी आपने इनके बारे में वीडियो देखी होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है तो ऑफ कोर्स आपने देखी भी होगी, लेकिन क्या आपने इसको क्लियरली समझा है कि ये है क्या एक्चुअली। और यहाँ पे न्यूज़ में हमें बताया जा रहा है कि SBI राइट ऑफ लोन ऑफ 8098 करोड़। ठीक है, SBI बैंक ने अपना जितना भी लोन है आलोक कंपनी का वो राइट ऑफ कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने लोन वेव ऑफ कर दिया है। वेव ऑफ और राइट ऑफ में दिन रात का फर्क है। कई यूट्यूब चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्री का 8,000 का लोन माफ हो गया। ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसी वीडियो दे रहा है आपको तो आप उसको रिपोर्ट करिए यार। अगर आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? रिपोर्ट करिए उनकी वीडियो को यार, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं आपको। यहाँ पे राइट ऑफ की बात हो रही है, ना कि वेव ऑफ की। वेव ऑफ यानी वो वाली चीज़ जिसमें बैंक जो है वो सामने वाले की परिस्थिति या सर्कमस्टेंसेस देख के उस बंदे का कंप्लीट लोन जो है वो माफ़ कर देता है, यानी कि फ्री कर देता है, लोन से हटा देता है उसको, उसको बोलते हैं वेव ऑफ। यहाँ पे बात हो रही है राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब एक ऐसी चीज़ कि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि बैलेंस शीट आ गई, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें से उन लोन को हटाना चाहता है। इसलिए इन ये जो लोन है उनको एक डिफरेंट अकाउंट्स में डाल देता है, यानी कि एक राइट ऑफ अकाउंट होता है बैंक्स के पास, उसमें ये लोन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट में इस लोन को रखना नहीं चाहती है क्योंकि वो थक गई है इन लोगों से लोन भरवाने के लिए, मतलब लोन नहीं भर पा रहे हैं ये लोग, इसलिए इन्होंने इनको यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन ये लोन आलोक को आज नहीं तो कल भरना ही भरना है गाइज। आलोक के पास अगर बात करें हम फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो 22,000 करोड़ का लोन जो है वो हमें देखने को मिलता है 2019 क्लोजिंग तक। ठीक है, तो 22,000 के लोन में अगर बात करें हम, तो SBI का आप देख सकते हो 8098 करोड़ का लोन जो है वो राइट ऑफ कर दिया है। मतलब ये जो है वो SBI की बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा गाइस, आलोक की बैलेंस शीट में हमेशा रहेगा ये लोन। ठीक है, आलोक की बैलेंस शीट पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोन जो है वो SBI बैंक की बैलेंस शीट में जो दिखता है पेंडिंग लोन्स या फिर जो भी डिटेल हमें वहाँ पे देखने को मिलती है वो वहाँ से हट जाएगी और बैलेंस शीट जो है वो एकदम क्लियर रहे। इसी बेसिस पे जो है SBI ने इसको राइट ऑफ कर दिया है। और सिर्फ आलोक का राइट ऑफ नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का जो है वो बैलेंस इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, उनका लोन जो है वो राइट ऑफ कर दिया। लेकिन इन सबको पे करना ही करना है, आज नहीं तो कल। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकवरी में हमें एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिकवरी नाम से। तो कौन सी कंपनी ने इस लोन में से कितना अमाउंट अब तक पे कर दिया है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे रिकवरी टैब में हो रही है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसी कंपनी है जो नील दिख रही है हमें, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पे किया है, ये लोन जो है वैसा का वैसा ही है, उन्होंने कुछ पे ही नहीं किया है बैंक को। लेकिन आलोक की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, JM फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री के आने के बाद 1703 करोड़ रुपए जो है उसका लोन पे किया गया है 8,000 करोड़ में से। ठीक है, यानी कि 8,000 करोड़ में से 1703 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी लोन चुका दिया गया है आलोक में। मतलब आलोक काम कर रही है, आलोक इंडस्ट्री जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा पैसा बना रही है, अपने लोन भी भर रही है। गाइज अगर SBI में इसने 1700 करोड़ दिए है तो बाकी बैंक जो उनके पास लोन है उनमें लोन नहीं भरा होगा इन्होंने,
गाइस अब जो है हमें इंतज़ार है फाइनेंशियल रिजल्ट का। यहाँ पे 2 क्वार्टर का रिजल्ट एक साथ आने की बात हो रही है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आलोक का रिजल्ट पॉजिटिव रहना चाहिए इस बार, ठीक है। और साथ ही लोन में जो डेट है कंपनी पे उसमें बहुत बड़ी गिरावट यानी कम होना चाहिए, लोन बहुत कम होना चाहिए क्योंकि कंपनी ने अच्छा काम किया है और पैसा भी भरा है। यहाँ पे हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है 1703 करोड़ जो है वो ऑलरेडी SBI को आलोक ने दे दिया है अपने 8000 करोड़ में से, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा था कि कंपनी काम कर रही है, अपने लोन पेमेंट भी कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटी कंपनी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी अगर काम कर रही है तो कर क्या रही है। तो गाइस हम आ गए एक वेबसाइट पे जिसका नाम है पंजीवा और यहाँ पे आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिटेल जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के डेटा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है वो US, श्रीलंका, मेक्सिको एंड कोलंबिया में अपना जो मटेरियल है वो सप्लाई कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ से माल भेज रही है इन देशों को। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो गाइस US में 2627 शिपमेंट जो कि 62.9% ऑफ इंटायर शिपमेंट का रेशो में आता है, मतलब 63% 63% ऑफ शिपमेंट जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट जा रही है आलोक इंडस्ट्री से। गाइस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, एक छोटी कंपनी के लिए। अब हम देखेंगे इनके कुछ डेटा की क्या कर रही है कंपनी, कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे भेज रही है और किस कंपनी को ये जो है वो अपना माल बेच रही है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो अभी हुए हैं शिपमेंट में उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है 17 जुलाई 2020 यानी कि पिछले हफ्ते की बात हो रही है। आलोक इंडस्ट्री ने वॉलमार्ट को माल भेजा है यहाँ से इंडिया से, ठीक है। और 17 जुलाई को एक और हमें देखने को मिल रहा है, 2 शिपमेंट सिर्फ US जा रहे हैं वॉलमार्ट को और 15 जुलाई को भी एक एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम प्रोडक्ट की तो यहाँ पे गाइस PPE किट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वॉलमार्ट को जो मटेरियल भेज रही है आलोक कंपनी वो भेज रही है बेडशीट्स हो गया, क्विल्ट हो गया, क्विल्ट कवर हो गया, जो अपने होम एंड एक्सेसरीज के आइटम्स होते हैं वो डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है अभी जो लेटेस्ट अगर हम बात करें, ठीक है। तो गाइस काम जो है कंपनी कर रही है, बखूबी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लोन भर रही है, सब कुछ कर रही है। फिर आप लोग डर क्यों रहे हो इस कंपनी में होल्डिंग बनाने से। गाइस मैं मानता हूँ अपर सर्किट पे अपर सर्किट जा रही थी कंपनी, एक झटके से डाउनफॉल होने लगी है, तो उसके पीछे रीजन है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जब SEBI ने अनाउंसमेंट किया था स्पोर्ट इन वॉल्यूम का वो इस पे इम्पैक्ट कर गई और इस पे डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया, रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा डर गए गाइज। साथ ही यहाँ पे गेम हो रहा है प्रमोटर का। अब फिलहाल आप अगर देखें शेयर्स को तो कभी कभी शेयर्स एक झटके से बाय होने लगते हैं और कभी कभी जो है वो एक झटके से सेलिंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये तभी होता है जब गाइज इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी बड़े फॉर्म के द्वारा, ठीक है। अब ये बोलना ज़रूरी नहीं था मेरा यहाँ पे वीडियो में, कई फॉर्म्स जो है वो नाराज़ भी हो सकती है अगर मेरी कोई वीडियो देख ले, लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि कोई ना कोई इसके प्राइस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके प्राइस को जो है वो घुमा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है मैं बता देता हूँ, आज आलोक जो है वो 28 रुपये पे है, वो खरीद लिया जाएगा किसी बड़ी फॉर्म के द्वारा और वही आलोक 100 रुपये के ऊपर आपको बेचा जाएगा। जब आलोक का जो है वो प्राइस पॉइंट काउंट किया जाएगा 600 के आसपास, 500 के आसपास। ये नहीं बोलता हूँ मैं कि आलोक एक साल में 600 रुपये तोड़ देगा, नहीं गाइस, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आलोक जब 100 रुपीज़ क्रॉस करेगा तब बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो आलोक के टारगेट प्राइस को डिसाइड करेंगे और मार्केट में बताएंगे। तो जब ये प्राइस और न्यूज़ मार्केट में आएगी कि आलोक जो है वो आने वाले एक साल में 600 रुपये 700 रुपये क्रॉस करेगा, तब जो है यही प्रमोटर जो आपके पास 28-20 रुपये में माल उठा रहे हैं वही आपको 100 रुपये पे माल बेचेंगे और आप उसे खरीदेंगे भी। गाइज ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो उम्मीद है मेरे इस इनवर्ट्स को आप समझ पाएंगे बखूबी और अपनी जो होल्डिंग है उसको बनाए रखेंगे ना कि उसे सेल करेंगे। गाइज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आलोक में अगर होल्डिंग बनाई है तो आप अपने आप को लक्की समझिए ना कि दुखी होइए, ठीक है। प्लीज़ दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आलोक के दिन अभी ख़राब हैं, बहुत जल्दी टाइम आएगा वापस अपर सर्किट का, आप देखते रहिए। और उसके बाद आप ज़रूर आके इस वीडियो पे कमेंट करिएगा जब ये वापस अपर सर्किट आएगा और आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। चलिए गाइस देख लेते हैं इसके चार्ट को भी और समझते हैं कि क्या हो रहा है चार्ट पे। और चार्ट पे एक्चुअली इवेल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ ताकि मैं आपको इसके नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट के बारे में थोड़ा समझा सकूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा टारगेट था एक्चुअली जो 28 रुपये था उससे रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन 28 भी तोड़ गया, अभी 27 पे आ गया आज के दिन में। तो अभी देख लेते हैं हम कि कौन सा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आलोक में।
तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने पूरा चार्ट रख दिया गया है और यहाँ से प्राइस पॉइंट जो है वो रिवर्स हो गया और डाउन होते हुए हमें यहाँ पे एक और बाइंग लेवल देखने को मिला था। बात करें अगर हम 40 रुपये के आसपास, जहाँ पे कई नए लोगों ने एंट्री ली है, और बात करें हमारे ग्रुप की जो कि है फ्री टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी कई लोगों ने यहाँ पे मेरे कहने पे बाइंग पोजीशन बना दी और आज अफसोस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ दिन बाद वो अफसोस नहीं करेंगे अगर वो अपनी होल्डिंग बनाए रखेंगे। गाइज यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लगाए हैं, 23 रुपये पे, 20 रुपये पे और 12 रुपये पे। रिवर्सल पॉइंट की अगर बात करें तो आप देख लीजिए 23 रुपीज़ से हमें अपर सर्किट देखने की संभावना पूरी पूरी लग रही है। अगर बात करें दूसरे रिवर्सल पॉइंट की, अगर 23 रुपये भी नहीं हुआ तो 20 रुपये गाइज जो है वो लास्ट डेडलाइन है आलोक की, इसके बाद तो उसको अपर सर्किट लेना ही लेना है। अदरवाइज आप देख सकते हो 12 रुपये जो है वो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है आलोक का, उसके बाद तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हमें इसमें 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो बनानी ही पड़ेगी अपने एवरेज प्राइस को क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बहुत स्लो मूवमेंट हो जाएगी आलोक में और बहुत प्रेशर में आ जाएगी कंपनी, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट पे कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रिवर्सल पॉइंट की हमने बात की थी। अब हम वीडियो ख़त्म करने से पहले हम मनी कंट्रोल के स्वॉट एनालिसिस को देख लेंगे और स्वॉट एनालिसिस से हम समझेंगे कि क्या है आलोक का फ्यूचर, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का, उम्मीद है मैंने जितने भी फैक्टर्स आपको बताए हैं आलोक के वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की, और तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका मनी कंट्रोल स्वॉट एनालिसिस। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। और स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लिया है वो है वीकनेस। वीकनेस हमें सबसे पहले देखना है और क्या वीकनेस हमें यहाँ पे मनी कंट्रोल दिखा रहा है उसके एल्गोरिथम के हिसाब से। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो नेगेटिव ब्रेकडाउन थर्ड सपोर्ट एलटीपी सपोर्ट थर्ड बता रहा है, यानी कि ये तो चलो लोअर सर्किट है इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ये एल्गोरिदम सेट करता है डायरेक्टली, ठीक है, कोई इसको लिखता नहीं है, ये डायरेक्टली एल्गोरिदम से बन जाता है यहाँ का जो शॉर्ट एनालिसिस है वो, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल जो थर्ड था उसको भी तोड़ चुका है बता रहा है, इसलिए ये वीकनेस में हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। गाइज यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया भी नहीं है तो इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, साथ ही इस पॉइंट को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो हेवी सेलिंग की वजह से हुआ है। यहाँ पे कोई पैरेलल चीज़ें नहीं चल रही हैं, यहाँ पे सिर्फ वन साइड गेम हो रहा है, इसलिए इसको और इसको दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे इस वीकनेस में, ठीक है। तो अब रही 5 वीकनेस, अगर हम बात करें तीसरी वीकनेस की तो अब एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर, तो गाइज ये भी आप देख सकते हो पास 2 क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसको भी हम कंसिडर कैसे कर ले भाई, अभी रिजल्ट तो आने दो उसके बाद यहाँ पे लेंगे इसको, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। अब हमारे पास रही 4 वीकनेस, ओके। वीकनेस 4 में अगर हम देखें तो वीक परफॉर्मर स्टॉक लॉस्ट मोर देन 20% इन 1 मंथ। गाइज फिर से वही बात आ गई, यूसी और एलसी वाला कॉन्सेप्ट स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, तो भाई परफॉर्म कैसे करेगा, 20% तो गिरना ही है और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, तो ये भी कैसे कंसिडर कर ले। गाइज ये पॉइंट जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पे सही नहीं देखा है, सभी की सभी वीकनेस जो है वो फेक लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये पूरे जो है वो सिस्टम एल्गोरिदम से बनते हैं और यहाँ पे स्टॉक में जो चल रहा है उससे इसका कोई नाता ही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज मोर देन 2%, ओके चलो समझ में आ रहा है। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके ये भी ओके चलो रखते हैं उसको, प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है, ओके गाइज ये हो गए इसके वीकनेस। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को समझेंगे तो और आपको थोड़ी समझ में आएगी कि क्या चल रहा है भैया इसमें। ये देख लीजिए गाइज स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो स्टॉक एनुअल ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी। गाइज ये जो है कैश जनरेटिंग, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है जब से इन्होंने, रिलायंस ने और जेम फाइनेंस ने एक्वायर किया है इस कंपनी को, तो कंपनी जो है अपना बिजनेस जो है वो अच्छा बढ़ा रही है और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही है। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, गाइज कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर प्लेज जो है वो 0% कर दिया है, पहले कितना था 100% था, अभी क्या है 0%, और क्या चाहिए, प्रमोटर प्लेजिंग पूरा हट गया है, प्रमोटर ही नहीं है प्लेजिंग कहाँ से रहेगी, ठीक है, प्रमोटर खत्म है अभी, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पूरा पब्लिक हैंड में है स्टॉक, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, कंपनी लोन भी भर रही है सब कुछ ठीक है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स भी आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं करूँगा इसको यहीं पर खत्म। और गाइज रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, आलोक से जुड़ी न्यूज़ तो आती ही रहती है, बाकी कई इंट्राडे कॉन्सेप्ट पर भी हम काम कर रहे हैं, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।